मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 326 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी, माफ चाहता हूँ, 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। अशोक ने राज्य में मौर्य वंश का बेहद विस्तार हुआ, जो सबसे ज़्यादा विस्तार कहलाता है। इनके शासकों की सूची में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक आए, फिर कुणाल, दशरथ मौर्य आए, संप्रति आए, शालिसुक आए, देववर्मन, शतधन्वन और बृहदर्थ, ये जो थे, ये आपने उनके शासकों की सूची देखी। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य 325 ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिमी भारत, आज के पाकिस्तान का लगभग संपूर्ण इलाका, सिकंदर के क्षत्रपों का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली था तथा उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का काटा, पर तत्कालीन मगध के सम्राट धनानंद ने उसको ठुकरा दिया। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी से चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि धनानंद को सबक सिखा के रहेगा। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्से रहे हैं। प्राचीन भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था। उस वक्त कुछ ही प्रमुख शासक जातीय थी, जिसमें शाक्य मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त उस गण प्रमुख का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त के बाल अवस्था में ही योद्धा के रूप में मारा गया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल राष्ट्र की नींव डाली, जो कि आज तक एक आदर्श है। इसके बाद भारत भर में जासूसों का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता है। यह भारत के शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस तरह चाणक्य के नीति से मौर्य वंश की स्थापना हुई। बिंदुसार, चाणक्य चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, फिर उसके बाद सम्राट अशोक, और अशोक ने सबसे ज्यादा क्षेत्र तक अपना शासन को फैलाया। कलिंग